दोस्तों, जब चांद अपने सामान्य आकार की तुलना में बड़ा और बेहद चमकदार नजर आता है तो उसे सुपरमून कहा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दौरान चांद का आकार सामान्य आकार की तुलना में करीब 14% बढ़ जाता है और इसकी चमक पहले के मुकाबले 30% ज्यादा होती है। इस दौरान चांद और धरती के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है। अगर विज्ञान के अनुसार इसे समझे तो धरती से चांद की दूरी लगभग 406,692 किलोमीटर की है और विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिकों द्वारा इस दूरी को एपोजी कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब इन दोनों के मध्य की दूरी 356,500 किलोमीटर की होती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पेरिजी कहा जाता है। इस दौरान जिस दिन चांद और धरती एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं उसी दिन सुपरमून दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये पहले कब देखा गया था, तो आपको बता दे, नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसके अनुसार साल 1979 में सबसे पहली बार सुपरमून देखा गया था। जब से ही यह पहली बार अस्तित्व में आया था और लोगों को सुपरमून के बारे में पता चला था तभी से एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पेरिजिन फुल मून का नाम दिया था और फिर बाद में इसका नाम सुपरमून रखा गया। अगर ग्रहण को छोड़ दे तो सुपरमून पूर्णिमा के दिन दिखने वाले एक सामान्य चांद की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि उस दिन चांद दूसरे दिन की तुलना में धरती के बहुत करीब होता है, जिसके कारण ये काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। खास बात तो यह है कि आपको इस सुपरमून को देखने के लिए किसी खास तरह के लेंस या फिर किसी खास अन्य उपकरणों की जरूरत नहीं होती है। इस चांद को आप अपने घर की बालकनी या फिर छत से बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया जाना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।